ये शली कट रही है वास्क नाग जी। बड़ो प्लेट डूबे तो कार ही नहीं नागे तो चलो नहीं ठोक डुबकी तोली चली और रहा है वो तो सीनो चल रखो यार मतलब वो बारार खत्म काल भारी को खत्म जय वास्किनाग। इस वक्त हम कैलाश कुंड पर पहुंच चुके हैं। धूप बहुत तेज निकली है जैसे कि आते वक्त हमने वास्किनाग जी से प्रार्थना की थी कि यहाँ पर धूप जो है हो तो ज्यादा अच्छा है और वैसे ही हुआ। और ये एक इतना सुंदर नज़ारा एक बहुत ही आश्चर्यजनक हमारे लिए मेरे लिए खासकर मैं तो बहुत ही मतलब पहली बार इस टाइम पर आया हूँ कि जबकि यात्रा से एक महीने पहले डेढ़ महीने पहले जो है यहाँ पर आए हैं तो साथ में हमारे ये विंकल जी हैं कैलाश सेवा संघ ट्रस्ट भद्रवाह के अधिकारी हैं जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और आज का दौरा बड़ा अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। हमारे साथ हमारे जो दो साथी और भी हैं जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाने में हमारी मदद की, तो रास्ते भर हमने दिखाया आपको कि कैसा रास्ता है, कितना दुर्गम रास्ता है यहाँ तक आने का। अभी यात्रा के टाइम पर शायद ये बर्फ जो अभी आपको पीछे दिख रही है थोड़ी कम हो जाएगी और यात्रियों के लिए यहाँ पर और भी सुविधाएं जो है ट्रस्ट के द्वारा जो है उनको मुहैया करवाई जाएंगी। तो अभी जैसे आपने देखा वीडियो में कि यहाँ पर ये शेड जो है बिना टीन के है अभी, तो यात्रा से पहले वो भी जो है इनका काम शुरू हो जाएगा ताकि कोई भी यात्री जब यहाँ पे आए तो उसे किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ट्रस्ट वाले जो हैं अपनी तरफ से पूरी जो कोशिश यहाँ पर करते हैं और हर साल और कई सालों से जो है करते आ रहे हैं, और ये वास्किनाग जी की कृपा है कि इतनी ऊंचे स्थान पर इतना सारा प्रबंध जो है लोगों के लिए
श्रद्धालुओं के लिए करना जो है वो अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक है। तो आसकुनाग जी की कृपा से अब हम धूप भी बहुत अच्छी है, स्नान करेंगे दो चार डुबकियाँ जो है लगाएंगे अपने तमाम भद्रवा वासियों के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यात्रा के साथ आएँ और यहाँ पे आएँ और यात्रा का आनंद उठाएँ और स्नान करें, कुंड में स्नान करें और इस बार अच्छा दर्शन होंगे और इस बार उम्मीद है और अच्छे दर्शन जो है यहाँ पे होंगे। एक बात लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा यात्रियों से कि यहाँ पर जब भी वो आते हैं तो अपने साथ पॉलीथीन बैग और भी कई किस्म की चीज़ें ऐसी लाते हैं जो यहाँ पर लानी वर्जित है। तो मैं अपनी तरफ से और कैलाश सेवा संघ ट्रस्ट की तरफ से जो है उनसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि वहाँ जब भी यात्रा के साथ यहाँ पे आएँ तो किसी भी प्रकार की गंदगी जो है यहाँ ना मचाएं और जब भी स्नान करें, स्नान करने के बाद जो भी वो अपनी चीज़ें यहाँ पर रह जाती हैं उनको कृपया यहाँ से साथ ले जाकर जो है कहीं साइड में कहीं नीचे ऐसी जगह पर पहुँचाएं जहाँ पर उनका प्रॉपरली जो है अच्छी तरह से डिस्पोज किया जा सके। तो यही विनती है, यही प्रार्थना है सब श्रद्धालुओं से कि किसी भी प्रकार की गंदगी यहाँ पर ना मचाए। अभी कितना अच्छा यहाँ पर है कि अभी हमें देखने को यहाँ पर ऐसा मिल रहा है कि किसी भी प्रकार की गंदगी जो है वो नहीं है और साफ़ बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और ये वास्कुनाग जी जो कि जिनका हाथ पूरे भद्रवाह के ऊपर है तो कृपया अपने घर में जैसे सफाई रखते हैं हम, तो कृपया जब भी यहाँ पर आएँ तो कोई भी ऐसी वस्तु जो ये इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर छोड़ जाते हैं उनको कृपया यहाँ पर न रखें। तो इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का जो दौरा था यहाँ का आज वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हमें तो बहुत अच्छा है। अब हम थोड़ा स्नान करेंगे, स्नान के बाद फिर यहाँ से हम जो है अपना रवाना होंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको जय वासुकी नाग थोड़ा सा डल की तरफ जो है ये देखें आप कितना विंकल जी हमारे सेवा ट्रस्ट के अधिकारी कैलाश सेवा ट्रस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर साफ है पानी, देखिए कितना निर्मल है, कितना सुंदर जल है आप देख सकते हैं इसके बीच में, बीच में बर्फ और आधा डल जो है बर्फ से ढका हुआ है। और वास्कुनाग जी का मंदिर यहाँ पर, ये हमारे दो साथी जो हमारे साथ यहाँ पर लाने में हमारे साथ थे, पीछे आप शेड देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर जो है लंगर की प्रबंध जो है वो किया जाता है, बहुत ही सुंदर।
जय वासुकीनाग। जय वासुकीनाग।